तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको एक बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल बताने जा रहे हैं हिमाचल से। इस वक्त की बड़ी खबर उपचुनावों को लेकर, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां बीजेपी की तरफ से शुरू की जा चुकी है। बीजेपी ने अर्की विधानसभा के लिए नियुक्तियां कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने ये नियुक्तियां की है। आपको ये जानकारी दे दें कि राजीव बिंदल को अर्की का प्रभारी बनाया गया, साथ ही साथ राजीव सैजल को जो कि स्वास्थ्य मंत्री है उनको सह प्रभारी बनाया गया है। किन्नौर से इस वक्त एक बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी किन्नौर जिले से सामने आई है। किन्नौर में भूस्खलन का कहर जारी है। इससे पहले कल यानी कि रविवार को भी किन्नौर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। आज नेशनल हाईवे 5 मलिंग नाला में भी पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। किन्नौर के ऊपरी इलाकों में आपको बता दें कि पत्थर गिरने से संपर्क निचले किन्नौर का टूट चुका है, साथ ही साथ स्पीति से भी संपर्क टूटा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहे हैं। किन्नौर से जो तस्वीरें सामने आई, किन्नौर के ऊपरी इलाकों सहित स्पीति का भी संपर्क अब टूट चुका है। संवाददाता सुरेंद्र इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, कब की ये तस्वीरें हैं और फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे कि किसी के हताहत होने की खबर सामने आई या फिर नहीं। जी महिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनजातीय जिला किन्नौर के अभी जो बरसेरी में पिछले कल ही एक हादसा हुआ था, उसके बावजूद आज जो है मलिंग नाले में सुबह से ही पत्थरों का गिरना जारी रहा है, जो कि एक इस जो ये पत्थरों का गिरना जारी है इसमें किसी भी जानी नुकसान का नुकसान नहीं हुआ है और वाहनों को काफी दूरी पर ही रोक दिया गया है। लेकिन जो है बीआरओ की टीम जो है लगातार सड़क मार्ग को बीच में साफ कर रही है, लेकिन फिर दोबारा ऊपर चट्टानों से चट्टाने गिरने का क्रम जारी है। जी तो चट्टाने गिरने का क्रम जारी है। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिला प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ एहतियातन तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ऐसे स्थानों पर ना जाएं? जी बिल्कुल, जिला उपायुक्त किन्नौर जो आबिद तो जगत सिंह नेगी इस वक्त हमारे साथ किन्नौर से विधायक है कांग्रेस के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगत सिंह नेगी जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आज जो तस्वीरें सामने आई, ऐसी तस्वीरें कल भी सामने आई थी, किन्नौर में चट्टानों का गिरना जारी, लैंडस्लाइड लगातार जारी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाए, एहतियातन तौर पर आपकी तरफ से क्या आदेश दिए गए? हमारे यहाँ पर जी तो जगत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किन्नौर से, जो तस्वीरें सामने आई, कल भी इसी तरह की तस्वीरें किन्नौर जिले से सामने आई थी, जहां पर 9 पर्यटकों की मौत मौके पर हुई, साथ ही साथ 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज जो तस्वीरें सामने आई वो नेशनल हाईवे 5 से तस्वीरें सामने आई। जगत सिंह नेगी कांग्रेस विधायक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगत सिंह नेगी जी, जो तस्वीरें सामने आई है आज और कल जो तस्वीरें किन्नौर जिले से सामने आई थी, आपकी तरफ से क्या कुछ आदेश अब आगे के लिए दिए जा चुके हैं? हाँ, कल जो है जो घटना दुखद हुई उसमें 9 लोगों की जान चली गई कल, और उसके बाद जो है जिला प्रशासन के साथ बात हुई है। आप तो जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहाँ पर अब पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि जो लोग वहाँ से जो है इस खतरनाक जगह से आवाजाही ना करें, उसकी जो है अभी कोशिश की गई है। जी, तो आपकी तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी कहा गया कि लोग इस तरह इन रास्तों से आवाजाही बिल्कुल भी ना करें। शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो किन्नौर जिले की तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाई, जहां पर कुदरत का कहर जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों की रानी शिमला से सोमवार को मौसम की जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको रोमांचित कर दिया। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सीधे आपको राजधानी शिमला ले चलते हैं। देखिए ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। एक अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग का, यह कहना था कि आज से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तो यह अलर्ट
कम बारिश का ही है, यानी कि ऑरेंज अलर्ट तो है लेकिन आज 8 जिलों के लिए ही है, लेकिन आने वाले दिनों में अब अगर 24 घंटे बाद की मैं बात करूं तो ये अलर्ट 10 जिलों के लिए रखा गया है। और इस ऑरेंज अलर्ट के जरिए ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी, 2 जिलों को छोड़कर जिसमें भारी से बहुत भारी यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेन का भी अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। तस्वीरें सीधे ऐतिहासिक रिज मैदान से शिमला से, और ये देखें आप पीछे धुंध की आगोश में ऐतिहासिक चर्च जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि हल्की तस्वीरें जो है वो जरूर दिखाई देंगी, लेकिन इसी तरह के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं सैलानी, और मैदानी इलाकों से इस बार वीकेंड के मौके पर भी हजारों की तादाद में सैलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। फिलहाल बहुत रश जो है वो यहाँ पर हो गया था, बहुत भीड़भाड़ यहाँ पर जरूर हो गई थी, और इसी बीच बहुत से सैलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। बहुत से सैलानी इस समय हमारे साथ भी मौजूद है। आप बताएं क्या नाम है आपका? रंजना। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। अच्छा, किस तरह का वेदर है इस समय शिमला में? बहुत अच्छा, क्या कहें कि जन्नत जैसा लगता है शिमला। जैसा ही है यहाँ पे अभी तो। इन दिनों में कई दिक्कतें हो जाती हैं, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्या आपको कोई दिक्कत आई है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई हमें। हाँ जी, आप बताएं क्या? नवीन। नवीन जी, किस तरह का वेदर है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेदर है। फैमिली के साथ आए हैं? कैसे एंजॉय कर रहे हैं? फैमिली के साथ आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो बहुत से सैलानी जो है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, और उम्मीद यही थी कि मौसम जो है वो अच्छा खुशनुमा यहाँ पर बना रहे। इसी बात की उम्मीद लिए लगातार सैलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बार वीकेंड के मौके पर भी 70-80% तक यहाँ पर ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो होटल्स का था, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि होटल जो व्यापारी हैं वो काफी खुश इस बात को लेकर जरूर हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी अब जो कारोबार है, जो व्यवसाय है होटलियर का, वो अच्छा चलने की उम्मीद है। इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और सभी जिला प्रशासन को राज्य सरकार ने एहतियात बरतने के लिए कहा है कि सड़कों के रखरखाव और जो लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशंस हो जाती हैं उनको लेकर अलर्ट पर रहें, और अगर बिजली आपूर्ति, पेयजल परियोजनाएं या इन तरह की कोई दिक्कतें, सड़कें अगर बाधित होती हैं तो तुरंत उसे रिस्टोर भी किया जाए। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। तो राजधानी शिमला की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं और सीधे पहाड़ों की तारीफ कर रहे हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर, हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है और एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के सोलन, किन्नौर और शिमला से आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। सोलन के अर्की, किन्नौर और शिमला में जमकर मेघ बरसे, बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिल चुकी है। सिरमौर जिले की अगर बात करें तो जिले में देर रात से बारिश का क्रम लगातार जारी है। बारिश के कारण जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन लोगों को आवाजाही में दिक्कतें भी आ रही है। उधर लगातार हो रही बारिश के बीच सिरमौर जिला उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। तो किन्नौर जिले के बटसेरी से रविवार को जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले आपको रविवार की जो तस्वीरें सामने आई थी वो दिखाते हैं। दरअसल रविवार को पहाड़ से चट्टाने गिरी और इसकी चपेट में यहां घूमने आए पर्यटकों की मौत हो गई। 9 पर्यटकों की इस मौके पर जान चली गई। हालांकि जितना जल्दी संभव हो सका उतनी ही जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। आज इस खबर पर अपडेट ये है कि काल के ग्रास हुए 9 पर्यटकों के शवों को दिल्ली भेज दिया जा चुका है। बता दें आपको कि दिल्ली में डिविजनल कमिश्नर को सभी शव सौंपे जाएंगे। इस संदर्भ में सभी मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिल्ली में भी बुलाया गया। बता दें आपको कि मृतकों के शवों को सबसे पहले पोस्टमार्टम के उपरांत नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन भेजा, जिसके बाद शवों को परिजनों को भी सौंपा गया। इस पूरे हादसे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया। सुनिए। पिछले कल की घटना बहुत ही दुखद घटना और हृदय विदारक घटना हुई है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हालांकि मौसम भी खराब नहीं था, ठीक मौसम में भी चट्टाने खिसक सकती हैं और पहाड़ से इस प्रकार से भूस्खलन हो सकता है और उसके बाद जो बोल्डर नीचे गिरे जिनने बहुत बड़ा नुकसान किया। 9 लोगों की दुखद मृत्यु वहां पर मौके पर ही हो गई जो पर्यटक थे, उनमें से 3, उसके अतिरिक्त 3 लोग जो है वो घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है।
मैं सभी जो पर्यटक यहाँ पर आए थे, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, उनके परिवार के प्रति, उनको को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जिला प्रशासन को तुरंत हमने आदेश दे दिए, जैसे घटना की जानकारी मिली डिप्टी कमिश्नर SP मौके पर पहुंच गए थे, ITBP की टीम पहुंच गई थी और यहां तक के स्थानीय लोग भी सहयोग के लिए पहुंचे गए थे। जितना जल्दी संभव हो सकता था वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 9 लोगों की दुखद मृत्यु मौके पर ही हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी पिछले कल रात को फोन करके सारी घटना की जानकारी हासिल की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, और जो लोग घायल हैं उनके उपचार के लिए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद जो की जा सकती है वो भी करें। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, उन्होंने भी जो मृतक वहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए राहत देने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, 50,000 उन लोगों के लिए भी दिए है जो इंजर्ड हैं, जो घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी हमने 4 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके परिवारों को देने का जो है उसकी घोषणा की है, और उसके अतिरिक्त जो घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए जो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वही पांवटा साहिब में बीती रात झमाझम बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर अधिकांश क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ, तो वहीं पर कच्ची ढांग के पास भी पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गई, जिसके चलते दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है। आपको जानकारी भी दे दें कि लोगों ने बताया कि विभाग अभी तक यहां पर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं कर पाया है। तो चलिए हरियाणा से इस वक्त एक बड़ी खबर फिलहाल आपको बताने जा रहे हैं, एक बड़ी और अहम जानकारी इसी बीच हरियाणा से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, हिसार कोर्ट ने संत रामपाल को बरी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संत रामपाल समेत 5 लोगों को बरी किया गया। हरियाणा से इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, ड्रग एवं कॉस्मेटिक केस में दरअसल रामपाल को पकड़ा गया था और फिलहाल रामपाल को बरी किया गया। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि रामपाल के साथ साथ 5 और लोगों को बरी किया गया। हिसार कोर्ट ने संत रामपाल समेत 5 लोगों को बरी किया। तो ड्रग एवं कॉस्मेटिक केस में दरअसल रामपाल को पकड़ा गया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार कोर्ट ने रामपाल को बरी कर दिया है और जानकारी फिलहाल इस वक्त की ये मिल पा रही है कि संत रामपाल समेत 5 और लोगों को बरी किया गया, क्योंकि ड्रग और कॉस्मेटिक केस के मामले में रामपाल पर आरोप लगे थे और इसी के चलते हिसार कोर्ट ने अब संत रामपाल को बरी कर दिया है। बड़ी जानकारी ये भी मिल पा रही है कि रामपाल के साथ साथ 5 और लोगों को इस केस से बरी किया गया, इस मामले से बरी, ड्रग एवं कॉस्मेटिक केस में दरअसल रामपाल को पकड़ा गया था। तो हरियाणा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हिसार कोर्ट ने संत रामपाल को बरी किया और उसके साथ साथ 5 और लोगों को बरी किया जा चुका है। जानकारी आपको ये दे दें कि रामपाल पर ड्रग और कॉस्मेटिक केस लगा था, ड्रग और कॉस्मेटिक केस को लेकर उसको पकड़ा गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय के लौंग से लेकर ले की ओर जाने वाली सड़क के बदहाल होने के चलते वहां पर लोगों को नुकसान भी हो रहा है। बीती रात भी कुछ वाहन खराब होने के चलते करीब 1 दर्जन वाहन फंस चुके थे। वहीं जब वाहन चालकों के द्वारा इस बारे में लाहौल पुलिस को सूचित किया गया और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई। पुलिस की टीम ने देर रात की सभी वाहनों से सवार पर्यटकों और चालकों को सुरक्षित निकाल लिया। आपको बता दें कि बीते दिनों लाहौल घाटी में भी जमकर बारिश हुई थी और घाटी के नदी नाले भी उफान पर थे।
तो राजधानी शिमला में बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के आवास हॉली लॉज पहुंचे। हॉली लॉज में जाकर उनकी पत्नी रानी प्रतिभा सिंह और उनके परिवार वालों से भी मिले। इस मौके पर अविनाश राय खन्ना ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अचानक देहांत हो गया, उनके अफसोस के लिए यहाँ आया था। वीरभद्र जी, मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ हिमाचल के ही नेता नहीं थे, वो एक नेशनल लीडर थे और उनके जो डेथ से वैक्यूम पैदा हुआ यहाँ पर, उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। प्रतिभा जी और मैं 14वीं लोकसभा में MP भी रहे हैं, तो उनके कुछ पुरानी बातें भी उनके साथ शेयर की हैं, तो मैं यही आश्वासन देने के लिए आया हूँ कि कभी भी इस परिवार के लिए हम काम आ सकें, एक इंसानियत के नाते, एक समाज के नाते, तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। तो बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सुरेश भारद्वाज जुब्बल कोटखाई के चुनाव प्रभारी और शहरी विकास मंत्री ने बैठक की। जुब्बल कोटखाई नावर मंडल वो बैठक के लिए रविवार को पहुंचे थे। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गोपाल जैबेक की तरफ से की गई। इस बाबत प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हमारी लड़ाई उस राजनीतिक दल से है जिनके पास ना तो कोई नेता है, ना नीति है और ना ही कोई दिशा है। अविनाश राय खन्ना ने केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं की सराहना भी की। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आज मेहतपुर में 17 लाख रुपए की लागत से निर्मित वन निरीक्षक चौकी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बेशक एक छोटा सा राज्य है, लेकिन ये समृद्ध वन संपदा को समेटे हुए है। इस वन संपदा की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन निरीक्षण चौकियों की स्थापना से अंतर्राज्यीय सीमाओं पर वन संपदा के परिवहन पर नजर रखी जा सकेगी और बहुमूल्य वन संपदा की अवैध तस्करी पर नकेल कसने में भी मदद मिलेगी। पर्यटन नगरी मनाली में एडवेंचर ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से खास मुलाकात की। एसोसिएशन के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री को कई दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने किया जाएगा और गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि एडवेंचर ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वासन भी इस मौके पर उन्होंने दिया। अब बात टोक्यो ओलंपिक की करेंगे। 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए मंडी जिला के सुंदरनगर निवासी आशीष कुमार ओलंपिक में अपना क्वालिफाइंग मुकाबला हार गए। उनका यह मुकाबला चीन के खिलाड़ी के साथ था। आशीष ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो चीन के खिलाड़ी को मात नहीं दे सके। बहुत अच्छा खेला, चलो दो चल निकलते हैं खेलने के लिए, तो एक तो हारते हार जीत तो चली रहती है, पर मुझे बहुत खुशी है कि वो ओलंपिक खेला। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या है। हाँ, मैं चाहती हूँ अगले जो आए उसमें वो तैयारी करे, अगले ओलंपिक के लिए भी वो तैयारी करे। तो एक और जहां गुरु की नगरी पांवटा साहिब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने जन समस्याएं सुनने के बाद समस्याओं का निपटारा करने का आश्वासन दिया, तो वहीं पर आपको बता दें कि दूसरी तरफ आम जनमानस सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। दरअसल वार्ड नंबर 11 में पेयजल योजना दम तोड़ चुकी है। जनता के लिए पानी की एक भी बूंद नसीब नहीं हो पा रही। जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। उनका कहना है कि कर्मचारी और साथ ही अधिकारी भी शुद्ध तक नहीं लेने पहुंचते। कई बार संबंधित विभागों को भी पेयजल सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की मांग की गई, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। कृषि एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पूर्व ओलंपिक और भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन चरणजीत सिंह के घर पर पहुंचकर उनसे खास मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने चरणजीत सिंह से टोक्यो ओलंपिक को लेकर चर्चा की। आपको जानकारी दे दें कि चरणजीत सिंह अब 94 साल के हैं और उन्होंने 1964 में भारत की हॉकी टीम का नेतृत्व किया था और उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल भी जीता था, जिसके बाद उन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।